सीसामऊ विधानसभा में चल रही भाजपा की तैयारियों के क्रम में युवा मोर्चा का सम्मेलन भी आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में सीसामऊ विधानसभा के सभी कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन में आए युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्राशुदत्त द्विवेदी ने यहां पर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए एक एक बूथ पर मजबूत तैयारी करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं पर हमेशा सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। ऐसे में इस बार सीसामऊ विधानसभा के उपचुनाव में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से जुटना होगा, जिससे यहां पर भाजपा की जीत का परचम फहर सके। इस दौरान विधायक नीलिमा कटियार, उत्तर जिला अध्यक्ष दीपू पांडे समेत अन्य पार्टी नेताओं ने भी अपने विचार रखे और बूथवार सभी कार्यकर्ताओं को अपनी तैयारी पूरी रखने के लिए कहा। देखिए, कानपुर में आने वाले समय में एक सीट पर उपचुनाव होने वाला है। नौजवानों में भारतीय जनता पार्टी की बात पहुंचे, अधिक से अधिक नौजवान चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ आएँ। हमारा सदस्यता अभियान भी चल रहा है, यही सारे विषय हैं इनके लिए आए। मुझे पूर्ण विश्वास है, योगी जी का नेतृत्व, मोदी जी का नेतृत्व और जनता का जो प्यार है, उसकी बदौलत हम सीट जीतेंगे। आज सीसामऊ विधानसभा में युवा मोर्चे का हमारा सम्मेलन है और इस सम्मेलन में हमारे युवा मोर्चा के सीसामऊ विधानसभा के अधिकांश कार्यकर्ता, लगभग सभी कार्यकर्ता, नेता सब जगह थे लेकिन कार्यकर्ता हमारे सीसामऊ विधान। हम लोगों ने, हम ये जानते हैं कि किसी भी परिवर्तन के लिए युवाओं का साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जोश के साथ काम करने का लक्ष्य लेकर चलते हैं वो हमारा युवा मोर्चा है और हमारा युवा मोर्चा एक सक्षम संगठन है। तो सीसामऊ विधानसभा में जो परिवर्तन की धारा बह रही है उसको परिणाम तक पहुंचाने के लिए आज ये युवा मोर्चे का सम्मेलन है। आज यहाँ पे युवा मोर्चा अपने नेताओं से प्रेरणा लेके, उनके मार्गदर्शन से आने वाले समय में सीसामऊ में भारतीय जनता पार्टी के परचम को लहराने के लिए अपने को झोंक देगा, पूर्णतः समर्पित होकर काम करेगा, यही इस सम्मेलन का उद्देश्य है।